आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नोको प्रिंटर ऐप या 1005 OTT प्रिंटर ऐप। इन दोनों एप्लीकेशन से आप कलर कॉपी किस तरह से निकालेंगे, ये एप्लीकेशन आप देख रहे हैं दोनों। ये आपको नोको प्रिंटर ऐप आपको गूगल स्टोर से मिल जाएगा और M1005 OTT प्रिंटर ऐप ये आपको क्रोम से मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इनसे आप किस तरह से कलर कॉपी निकालेंगे, कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी, वो दोस्तों मैं आज आपको निकाल के बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना मोबाइल अपने प्रिंटर से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से, जैसे मैं OTG लगाऊंगा, डाटा क्लिप लगाऊंगा, तो इस तरह से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रिंटर चॉइस करने को मिलेगा। मैं यहाँ पर नोको प्रिंट ऐप को चूज़ कर लेता हूँ दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रोसेस देखने को मिलेगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो मैंने नोको प्रिंट ऐप में ओपन कर लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, सेव एच PDF, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो आपको दोस्तों क्या करना है इसके लिए, आपको यहाँ पर ये डाटा केबल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपके प्रिंटर का नाम आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको यहाँ सबसे ऊपर रिफ्रेश वाला जो ऑप्शन दिख रहा है राउंड वाला, इस पर आप एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आपके प्रिंटर का नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपको प्रिंटर का नाम यहाँ पर मिल जाएगा, उसको आप एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ प्रोसेस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाएगा। प्रिंटर हैज़ बिन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पर आपको ओके का जो ऑप्शन मिलता है, ओके पर आप एक बार क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको छोटा सा ऐड भी देखने को मिलेगा, जिसे आप स्किप कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं आपका प्रिंटर का नाम यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। अब देखिए मैं एक PDF ले लेता हूँ। क्या आप देख रहे हैं, मैंने एक कॉपी को ले लिया है अपने नोको प्रिंट ऐप पर, ठीक है। अब देखिए अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको फोटो कलर दिख रहा है, यहाँ पर ये लोगो कलर दिख रहा है और ये भी कलर दिख रहा है। देखिए अभी ये आपको कलर दिख रहा है, ठीक है। मैं इस प्रिंट को अब कलर निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, आपको लाइव। उसके बाद में मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल के बताऊंगा इसी प्रिंट को, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अभी फिलहाल मैं ऐसे निकाल देता हूँ। देखिए मैं ऊपर से यहाँ से इसे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसे प्रिंट किया, यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब मैं चलता हूँ लाइव। तो देखिए ये प्रिंटर ने पेपर लिया। अब देखिए दोस्तों वीडियो लाइक कर दें रापट से, और जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं पेपर निकल रहा है, यहाँ पर कलर देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं फोटो कलर, ठीक है। यहाँ पर ये लोगो देख रहे हैं आप, कलर है। अब देखिए इसी को मैं ब्लैक एंड व्हाइट निकालूंगा। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं इसी पेज को ऐसे लगा देता हूँ और मैं फिर से चलता हूँ उसी पेज पर। देखिए यहाँ पर ओके कर दूँ मैं दोस्तों। अब मुझे सेटिंग करनी है ब्लैक एंड वाइट की। तो दोस्तों अब देखिए आप सबसे पहले इन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने क्लिक किया, अब देखिए सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है पेपर एंड प्रिंटिंग ऑप्शंस, ठीक है। इस पर कर दें क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है आउटपुट कलर, इस पर कर दें क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको मिलता है ऑप्शन मोनोक्रोम, मोनोक्रोम पर कर दें क्लिक और यहाँ से कर देंगे ओके, ठीक है। अब देखिए अब ये फोटो लोगोज जो आपको पहले कलर दिख रहे थे वो कैसे दिखने लगे हैं, अब ब्लैक एंड वाइट, देखिए, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट निकाल के बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं ऊपर से कर दूंगा यहाँ से प्रिंट, ठीक है। अब देखिए मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई प्रिंटिंग की। अब देखिए मैं लाइव चलता हूँ फिर से वहीं। देखिए अभी जो आपको कलर दिख रहा था वो अब आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होके निकलेगा, देख सकते हैं ये पहला कलर, ये बाद का ब्लैक एंड वाइट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपना प्रिंट कलर और ब्लैक एंड वाइट निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए उस हिसाब से। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर